जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास है हमारी मिक्सचर रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आपको कल भी बताए गए थे पिछली क्लास में, और आज मैं इसकी दूसरी क्लास लेकर आया हूँ मिक्सचर की। और इसका ये सवाल दिया हुआ था आपको कल, तो इस क्वेश्चन का हल भी जानेंगे कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से होना है। तो कल का ये क्वेश्चन था कि अल्कोहल और पानी जो है वो 50 लीटर मिश्रण में दो अनुपातों में, यानी कि 2:3 में है, दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि मिश्रण का अनुपात जो है वो 5:7 हो जाए। यानी कि 50 लीटर यानी कि आपका क्या है, 50 लीटर जो है वो टोटल मिश्रण है, और हम क्या करेंगे, 50 लीटर में से सबसे पहले अल्कोहल और साथ में पानी, ठीक है, टोटल इसकी पहले क्वांटिटी देखेंगे। 50 लीटर में जो है अल्कोहल कितना है और अल्कोहल और पानी देखना है कि 50 लीटर में टोटल कितना है। तो हम कैसे करेंगे, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 50, तो कितना आ गया बेटा, 20 ये हो गया, तो 30 ये हो गया, 20 और 30 50, सीधा भी पता लग जाता है, ठीक है। तो 20 लीटर अल्कोहल है, 30 लीटर आपका पानी है, ठीक है। अब बोला है कि 20 लीटर जो आपका अल्कोहल है और 30 लीटर जो पानी है उसमें और कितना मिलाया जाए, हमें क्या पता कितना मिलाना है, कि वो दोनों में मिलाने पर जो है वो अनुपात जो है वो 5:7 बन जाए। क्या बन जाए, 5:7 यानी 5/7। अब इसको कैलकुलेट कर लो बच्चा, 1/40 7x 1/15 5x 7x माइनस 5x 1/50 माइनस 1/40 कितना आ गया बेटा, 10x, तो 2x।
35, ये 35 से 35 कैंसिल हो गए, 32 32 32 को आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अगर नहीं भी करना हो तो आप छोड़ भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 32 की होल की पावर 4 और 35 की होल की पावर 3, ठीक है, तो ये भी आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पे डिपेंड रहेगा, अगर आप उसको सॉल्व कर लें तो 24.46 मीटर लगभग ये आंसर आएगा, एप्रोप्रिएट है। आप इस तरीके से भी तैयारी कर सकते हो, और नहीं है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ये आपको, ठीक है जी, कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, 50 लीटर का द्रव है, 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया है, और इस क्रम को मैं फिर से 5 लीटर द्रव निकालकर दूसरा द्रव डाला है, फिर से डाला है, यही क्रिया इन्होंने तीन बार दोहराई है, कितने नंबर टाइम्स, 3 टाइम्स। तो कैसे करेंगे, आपको क्या ट्रिक दी है, 50 माइनस 5 ओवर 50 4 टू पावर 3, तो 50 हो गया, कितना आ गया 45 ओवर 50 3 है, तो आपने तीन बार लिख लेना है बच्चा, और कुछ नहीं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब इसको आपने कवर करना है, 2500 ये हो गया, और ये आ गया आपका 20, 25 और 45 है, ठीक है, इसे कैलकुलेट करना है आपने, इसे कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो 36.45 मीटर लगभग ये आंसर जो है वो आपको आ जाएगा, ठीक है जी, 36.45 मीटर जो है वो आंसर आएगा, कैलकुलेट करिएगा आराम से, ठीक है, ये नहीं है कि कैलकुलेशन नहीं छोड़ देनी है आपने, कैलकुलेशन आराम से करनी है, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, क्वेश्चन पढ़िए, एक पात्र में 60 लीटर अल्कोहल रखा गया, उसमें 10 लीटर अल्कोहल निकालकर इतना ही पानी डाला गया, इसके बाद 15 लीटर मिश्रण निकाला गया, इतना ही पानी डाला गया, पुनः 12 लीटर मिश्रण निकाला गया और उतना ही पानी डाला गया, अंत में शुद्ध अल्कोहल कितना रह गया, शुद्ध अल्कोहल कितना रह गया। अब अल्कोहल ही निकाल लेंगे तो भैया रह कितना जाएगा वो ही देखना है। अब 60 लीटर अगर टोटल था, अब आपको पता है टाइम्स जो बार बार जो है रिपीट हो रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है, वही चीज हम माइनस करते चले जाएंगे हर बार टोटल में से। 60 में से हमारा कितना निकाला पहले बेटा, 10 लीटर निकाला है, कितना निकाला है 10 निकाला है, तो 10 आ गया ओवर 60। अब उसमें नंबर ऑफ टाइम्स ओवर रिपीट हो रहा था, तो सेम डिजिट रिपीट हो रहा था, तो सेम रिपीट होने का मतलब सेम क्वांटिटी को हम बार बार निकाल रहे थे। अब इसमें क्या हुआ, क्वांटिटी हर बार क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट, तो आपने भी ऐसे ही 60 में से और कितना निकाला, 15 लीटर निकाला, तो 15/60 और कितना निकाला जी, 12 लीटर निकाला जी, 60 में से 12/60 और कितना निकाला जी, अंत में उतना ही पानी डाल दिया। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है जी, 60 से 60 गए, यहां पर बच गया 50, यहां से बच गया आपके 45 और यहां से 12 गए आपके, तो कितने रह गए 48। ठीक है जी, तो 0 से 0 गया, 6 कम 6 48 12 60 और 4 2 8 4 3 12 3 15 15 30 30 आ रहा है जी मेरा, 30 ही सही सही है, 30 लीटर सही है, 30 लीटर सही है जी, समझ आ गया जी कैलकुलेशन, फॉर्मूला वही लगा, T माइनस L ओवर T होल्ड पावर N, वही बन गया मेथड मेरा, बट
इसमें आगे के ऊपर गया, क्योंकि हर बार जो है वो क्वांटिटी अलग अलग जो है वो रिपीट हुई है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 लीटर है, ग्लिसरीन रखी है, 5 लीटर निकाली गई है, फिर 10 लीटर निकाली है मिश्र में, फिर से डाल दिया, 8 लीटर है, बस वही सिस्टम, 40 माइनस 5 बटा 40, फिर से 40 माइनस 10 बटा 40, 40 माइनस 8 बटा 40। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बाबा एक ही चीज रिपीट होती है जी, 40 से 40 गए, कितना आ गया जी, 35 ही आ गया, 30 बटा 40, 8 गए 32 बटा 40। ठीक है जी, काट दो अब जो कटता है, किसी का इंतजार तो नहीं करना है। कितना आ गया कमेंट करते रहा करो साथ साथ में। ठीक है, सब ये रह गया और 3 ये है, 21 लीटर सही है ना, कमेंट कर दो साथ साथ में, 21 लीटर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मिश्रण धातुएं हैं, उसमें तांबा और जस्ता है, जिसका 5:2 अनुपात और इतना और इतना अनुपात है, धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात जो वो इतना हो जाए। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के आ रहा है, रंग रूप बदल के क्वेश्चन आ रहा है, आपने पहचानना है क्वेश्चन को और क्वेश्चन में तैयारी करके आपने बैठना है तो ही आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब आपको पता है तांबा जो है वो कितने अनुपात का है, तांबे की बात कर रहा हूं, तो 5 ये है, 5/2 का क्या मतलब हुआ, पहले मिश्रण में तांबे का कितना आ रहा है जी, 5:1 आ रहा है, तो टोटल कितना हुआ, 7 हुआ सर, ये पहला मिश्रण। ठीक है, फर्स्ट मिश्रण है, ऐसे सेकंड मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो इसमें भी तांबे का अनुपात कितना हो जाएगा, 8:1 है और 5 ये, 8×5=13, तो टोटल जो है वो नीचे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, दोनों का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो 9/, क्योंकि इन्होंने 9:4 दिया है, 9 और 4 13, तो इतना बनाना है, तो 9/13 बनाना है, माइनस कौन सा करेंगे, तांबे का, 8/13 / 9/13 माइनस 5/7। अब कैलकुलेट कर लो बेटा, एलसीएम आ गया 13, 9 - 8 इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ गया, 91। ठीक है जी, 13 × 7=91, ठीक है, 17 है 63 और 7 × 91 तो 13×5=65, 1/13 ये आ गया, इसका क्या बन गया, 2/91, इतना क्लियर है। ये देख लीजिए ना, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए मिश्रण, नेगेटिव में आ जाता तो गलत हो गया इसका। ठीक है, प्लस माइनस से मत डरना, 1/13 और 91/2, 13 × 1=13, 13×7=91, 7/2, यानी कि रेशियो क्या बन रहा है हमारा, 7:2, 7:2, 7:2 बन रहा है जी। आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये मैंने तांबे से बताया है, इसी प्रकार से जस्ते से भी निकाल सकते थे आप किसी भी तरीके से ले सकते हो, याद रखने ना, मैं फिर से बता रहा हूं, ये मैंने तांबे का अनुपात निकाल दिया, आप जस्ते का अनुपात लेके भी कर सकते थे, जस्ता समझ लेना, इन्होंने जस्ते की दिया है, तो इसके केस में, जस्ते के केस में 2/7 हो जाएगा और इसमें 5/13 हो जाएगा, आप इससे भी करके ट्राई कर सकते हो घर में और सेम आंसर आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आनी है। ठीक है,
ट्राई मारना है आपने मेरे नाम से, ठीक है। और जो आप बोल रहे हो ये इसके केस में क्या करेंगे, कमेंट कर रहे हो, तो मैं बोल देता हूँ इसके केस में 4/13 ले लेना है। 9 अनुपात 4 बनाया है ना, तो अब आप जस्ता उठा रहे हो, जब जस्ते का अनुपात कितना है 4, तो इसलिए 4/13 लेना है। अब 9/13 नहीं ले सकते क्योंकि अब तांबा नहीं ले रहे, अब जस्ते को उठा रहे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, है ना। तो ये भी इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अल्कोहल और पानी का है, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि अल्कोहल अल्कोहल बड़ा लगाया हो सबने, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन है। अब आप कोई भी टॉपिक उठा सकते हो, किसी को उठाओ, पानी को उठाना है पानी को उठाओ, अल्कोहल को उठाना है अल्कोहल को उठाओ, मैं तो अल्कोहल को ही उठाऊंगा। तो अल्कोहल कितना हो गया, अल्कोहल का कितना हो जाएगा 5/7, ठीक है, और ये पहला हो गया, दूसरे वाला 7/13, ठीक है जी। फिर इसके बाद क्या करना है बेटा, बोलो। अब ये है आपका, ये तो ये आ गया आपका अल्कोहल उठा रहे तो 8/5 13, ठीक है, तो क्या आएगा 8/13 - 7/13, 8/13 - 5/7, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताइएगा आंसर, क्लियर है ना। एलसीएम ले लीजिए, 13 एलसीएम आ गए 8 - 7, और यहां पे आ गए आपके 91, ठीक है, 13 7 91, तो 8 7 56 56, और 13 5 65, क्लियर है, इतना इतना क्लियर है सभी को, कमेंट कर सकते हो साथ साथ में। अब क्या आएगा बेटा, 1/13 56 5 4 9/91, रेसिप्रोकल हो जाएगा जी, 91/9, तो अनुपात आया कि नहीं आया ये बताओ आप, 5:9 आना मेरा आंसर, कहीं पे गलत तो नहीं हो गया, 13 7 91 यार, 5 5 गलत के, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है, नाराज नहीं हो, बस यहां पे थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से क्लियर कर देता हूं कि आप दोबारा से भी अच्छे से देख पाओ। 7:9, ठीक है, 7:9 ये आंसर आएगा आपका, सही है कि नहीं है, समझ आया कि नहीं आया। ठीक है जी, आपको ये क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया बात है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 बर्तनों में स्विफ्ट और पानी स्प्रिट और पानी के मिश्रण दिया हुआ है, तैयार किया है, दोनों मिश्रणों को बराबर बराबर ले कर तीसरा मिश्रण बनाया गया है, तीसरे मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात बताना है, कैसे करेंगे, सोचिए सोचिए सभी सोचिए इन क्वेश्चंस को किस प्रकार से किया जाता है। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। अब आपको अनुपात निकालना है तो सोना सोना लेना है, तांबा तांबा लेना है, एक तो बात ये याद कर लेनी, ठीक है जी, और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले अब आप ये देखिए कि इस पर अनुपात कैसे दिया हुआ है, अनुपात बारी बारी यानी कि सभी का ही लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले है स्प्रिट, स्प्रिट का लेना है, ठीक है, ओवर वाटर, मैं ऐसे निकाल रहा हूं, ठीक है, स्प्रिट ओवर वाटर। सबसे पहले हम किसको ले रहे हैं, हम ले रहे हैं स्प्रिट का, स्प्रिट यानी कि आपका कितना अनुपात है, स्प्रिट ये वाला है और यहां पर ये वाला है, तो ये वाला मैं 5 ले दिया और 2 + 3 कर दिया। जब मैंने दूसरे वाले का C
सी वाला जो ले रहा हूं दो, तो पहले वाले को प्लस कर दे रहा हूं। फिर से सुनो, वाटर वाला केस आया तीन आ रहा है, तो ये तीन ले लिया, ये दूसरे का अनुपात प्लस कर दिया, ठीक है। और जब मैंने दूसरे वाले का तीन उठाया है तो पहले वाले का अनुपात प्लस कर दिया है। एक बहुत ही शानदार ट्रिक है जो आपके सामने हो रही है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। कितना आ जाएगा कैलकुलेट कर लो, तीन दो पांच ही आ गए और दो ये पांच तीन आठ हो गए, तीन दो पांच हो गए और पांच तीन आठ हो गए, इसका कितना हो गया 25, 16, 15, 24, 6, 5, 11 आ गए और दो एक तीन एक चार 41, 9 और 3 39, 41 बटा 39। इस प्रकार से आप कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर निकलेगा, डायरेक्ट आंसर निकलेगा भैया, ठीक है। एक बार फिर से ट्राई मार लेते हैं। मैं ये देखो, ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। मिश्रण तो दोनों ही निकालने हैं, तीसरा मिश्रण बन रहा है, मगर सोना ऊपर लिखना है और तांबा नीचे। देखो क्या बोल रहा हूं, फिर से सुनो, सोना ऊपर तांबा नीचे। अब सोने की बारी आई, सात ये लिख लिया तो ये वाला प्लस कर देना है, 7 जमा 11, ठीक है। अब ये वाला 7 उठाना है तो पीछे वाला ए और डी वाला ये प्लस कर देने हैं। ये हो गया जी, सोने की बारी हो गई। अब मैं ले रहा तांबे की, तांबा दूसरे नंबर पर रहता है दो, तो ये अनुपात आपस में प्लस करना, 7 जमा 11। अब आपने ये वाला डी ऑप्शन दिया ना 11, तो पहले वालों को प्लस कर दो 7 और 2 को। क्वेश्चन कितना क्लियर हुआ, अब ये आपने बताना है मुझे, और मजा आ रहा है नहीं आ रहा है वो भी बताना है। 7 और ये 14 ये आ गए, 70 ये आ गए, 99 आ गए, ठीक है। यहां पर देख लो आगे, ठीक है, 11 जमा 7, ओह ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, मैं भी वही देख रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, 7 11 7 18 ये आएंगे, 18 ये आएगा, अब ठीक है जी, ठीक है। और इसमें भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 7 में 14 ही कर दिया था यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान भटका तो दुर्घटना घटी। 9 अब क्लियर है, ठीक है जी, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, है ना, ठीक है। 17 18 7 126 और 7 9 63 18 36 और 11 9 99 तो कितना हो जाएगा 189 और 135 कटेगा ये, क्योंकि तो रेशियो बन रही है तो ये कटेगा, ठीक है, इसको काट लीजिएगा, ठीक है। तो आपका 7/5 क्योंकि 7:5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये सरलतम रूप क्वेश्चन जो होता है, मैं उसमें आपको ये एलसीएम शीट में भी बताया कि किस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि मैं लेकर आया था आपके, ऑल टाइप्स को कवर किया है इसमें मैंने, जो कि आपका एलिगेशन और मिक्सचर चैप्टर होता है, इसको मैं पूरा कंप्लीट कर दिया है टाइप्स को। आपको ये टाइप्स परफेक्ट करने हैं, और बताइएगा डेफिनेटली कि आप किस कम्पिटिटिव की भी तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी कर रहे हो हमारी एप्लीकेशन, इसमें ये पूरा का पूरा आपको डिटेल में डेली दे रहे हैं। तो इस टॉपिक्स को अपने को परफेक्ट करिए और मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।